नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस जो राष्ट्रीय सामाजिक न्याय कृति मंच है, ये बहुत लंबे समय से सरकार के हितों के लिए, जो दलितों का हित है, सरकार के माध्यम से कैसे उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए उस पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से राज्य में दलित उत्पीड़न को लेकर के हम काफी चिंतित हैं। इसके बारे में हम समय समय पर सरकारी अधिकारियों को, राज्य के मुख्यमंत्री को उसको लिखते रहे। जो हाल ही की घटना है, श्री सुनील कुमार जो छावनी परिषद कैंट पोर्ट क्लेमेंट टाउन के उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ मारपीट की गई है। थाना क्लेमेंट टाउन में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। संस्था के द्वारा जिलाधिकारी देहरादून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड, अनुसूचित जाति आयोग उत्तराखंड को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया गया था कि यह मामला अति गंभीर है, इस पर तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसको जान माल का खतरा पैदा हो चुका है। उस मामले पर सरकार का उदासीन रवैया है, अधिकारियों का उदासीन रवैया है। इसके विरोध में संस्था ने 28/7/2018 को घंटाघर स्थित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के स्टेचू पर एकत्र होकर के वहाँ शपथ लेकर के शांतिपूर्ण जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट देहरादून जाएंगे। मेरा सभी प्रेस बंधु से उस दिन की जो घटना है वो बड़ी दर्दनीय है, क्योंकि जो पक्ष में उनके सामने रख रहा था वो जनता के फेवर को तो चाहता ही है, और जो वहां से सम्मानित क्षेत्रवासी हैं उनके फेवर में इसलिए जा रहा, क्योंकि जिस जमीन के लिए वो मुझे जो मेरे ऊपर प्रभाव बना रहे थे उसका मैं विरोध कर रहा था, क्योंकि वो जमीन 2014 में पहले मालिक बेच चुका है श्री भूपेंद्र भंडारी जी, उसने को जबरदस्ती पास कराना चाहते हैं, जिसका मैंने विरोध करा और उन्होंने भरी सभा के सामने भी थप्पड़ मार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया है मैडम, उसमें उनका ये कहना है कि CCO श्री भूपेंद्र रावत जी जाँच कर रहे हैं। जांच कहाँ तक बड़ी, कोई फॉलो अप लिया गया? आज तक मैडम उसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। और ये मामला कब हुआ था आपके साथ ये सर? 12/6/2018।